पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद, विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, आज हमारी महफिल बड़ी चटपटी और जायकेदार होने वाली है, आपको पता है? मुझे पता है। क्या? आज शेफ स्पेशल है, इंडिया के टॉप 3 शेफ्स आ रहे हैं ना? खाने पीने की सारी चीजें इनको मालूम होती हैं, पता नहीं कैसे। वाह, जब देखो खाना पीना पहले सिद्धू जी को खा गई। तो चलिए जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करते हैं इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ। बताइए इसका मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ कुकिंग के एक्सपर्ट्स। वो तो आपको पहले पता था ना शेफ आने वाले, इसलिए आपने बोल दिया, नहीं तो आपको आउट। सो इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ 3 फेमस शेफ्स ऑफ इंडिया, मिस्टर संजीव कपूर, मिस्टर कुणाल कपूर एंड मिस्टर रणवीर बरार, योर ब्रो। सब्जियां भी आपकी पॉकेट से ही मंगवाएंगी, आपको पता नहीं है क्या बोल। अच्छा सुनो, आप आ रहे हो ना डिनर पे, एक काम करना, आधा किलो मटन, 2 किलो चिकन, चिकन थोड़ा ठीक सा लाना और साथ में डिटर्जेंट। नहीं, 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 ये क्या करेंगे, जैसे आप इनके घर जा रहे हो मड आइलैंड, तो ये आपको हाईवे पे मिलेंगी, आप तीनों को बिठाएंगी, मटन तो क्या है, हम रास्ते में पकड़ देंगे किसी ना किसी को। पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, लेकिन तेरी मजाक ठीक है यार, तू मजाक करता है, मुझे नॉन वेजिटेरियन बना दिया, कहता है कि मैं मटन तो क्या, मैं तो जजों को खा जाती हूँ। तो झूठ है। नहीं नहीं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट लव्ड शो। अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसा शो है जो मैं अपने शो से ज्यादा, एंड दैट्स अ ऑनेस्ट ट्रुथ, अपने शो से ज्यादा कपिल आपका शो देखा। शुक्रिया, बैठिए प्लीज। धन्यवाद। चलिए ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। संजीव सर इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ हैं, इतने सालों से हम लोग इनको टीवी पे खाना बनाते हुए देख रहे हैं, छोटे शहरों में हम लोग सर पले बड़े हैं, हमें तो पहले पता नहीं था, पता कि खाना बनाने में ऐसे वाले इतने ब्यूटीफुल वाइट कपड़े ऊपर से हैट, मेरे को पहली बार मैंने आपको देखा था, मुझे लगा था खाने के डॉक्टर हैं, बीमार सब्जियों को ठीक करते हैं। सीरियसली मजाक नहीं है, इन्होंने जो धनिए को इज्जत दी है कि जब आप प्यार से बोलते ना, अब थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, धनिया मटन जैसा फील करता है उस समय। और उसके पत्ते हाथ से थोड़े तोड़ते हैं, कैंची रखी होती छोटी सी, इसको थोड़ा सा काटे। धनिया यूं बैठा रहता कि मैं 5-स्टार सैलून में कटिंग कराने आया हूं। लेकिन कुकिंग को एक आर्ट, साइंस और बिजनेस बनाने में जो इन लोगों का योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। सर एक अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली बजाते हैं, तो आप लोगों को चीज पसंद आती है ऐसे ताली बजाते हो कि ऐसे बजाते हो? अच्छा एक ना इसका एक किस्सा है जी। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी, तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है, तंदूर पे रोटी लगा देगी, कुणाल की लगी, सबकी लगती है। अच्छा, और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप 10,000 रोटी तो खा लेते हो गए। ठीक है, तो आप रात को लिटरली, मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू रात को ऐसे 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 करके, सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो ये वाली बात तो है। करेक्ट, और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो सोते हुए भी।
अगर शादी वादी होगी तो बीवी को हाथ पकड़ने पड़े, रुक जा क्या कर रहा है तू, कहाँ चला रहा है। एक्चुअली बंदा सरात को सोते अपनी रजाई घुमा रहा हो। वही सो गए भाई, ये नई रोटी निकाली है, रुमाली रोटी की जगह रजाई। अच्छा आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा, नेचुरल चीजें जो आप खा लो, बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हाँ। इतने गुणी लोग हैं, ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे। आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं, आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं, आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश। हम तो डरे रहते हैं, क्या पूछें। काजू पड़े? जी जी सर, काजू पड़े। कुछ खाता ही नहीं, इनको पहले सैनिटाइज कर लो, पिछले महीने के हैं। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए खुला भी नहीं है, डोंट वरी। अच्छा खुल गया, देखो जी आए हैं। अच्छा तो खा के जाएंगे। एक बताइए कितने महीने पुराने हैं ये काजू? नहीं पर आदत हो जाती है ऐसा, हमने बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पैंट्री बनी होती है, उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज कब की है, लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को। सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर, तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी? हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं, कैसे दिमाग में आया, मैं तो ऐसे पूछ लिया। हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना, तो जैसे लोगों को मेडल मिलता है, कुछ मिलता है जी, या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है, हमें कड़ाइयां पतीले यही सब हांडिया यही सब वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मोमेंटो। अच्छा नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है। मेनी ऑफ देम। कड़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाहर जाते हो घूमने, फ्रांस गए, ये गए, वो गए, घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे, हम जाते हैं पहले भांडे बर्तन की दुकान में, हाँ ये प्लेट ले लो, हाँ ये ले लो, ये प्लेट चंगी लग रही है। हम लोगों को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं, उसके बाद मुझे याद है शुरू शुरू में बचपन में खाना बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला बेटा खाना बड़ा अच्छा बना था, पर एक बात था, एक डिश के लिए सात बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है? अच्छा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया, कोई धो रहा है, उधर कर रहा है, हम कहते हैं एक डिश एक बर्तन, ज़्यादा नहीं यूज़ करने, तब से किफ़ायत हो गई, कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं। मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ, मेरी जब परमीत से शादी हुई थी मेरी दो कंडीशन थी, मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी, ही सेड यस, दैट टाइम ही वाज रेडी टू से यस टू एनीथिंग, अब नाउ ही रिग्रेट्स। दूसरी बात मैंने बोला था नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड, कि बेड के ऊपर गीले तौलिए मत रखना। अच्छा ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिए बेड के ऊपर होना? मैं ना इधर बैठ जाता हूं थोड़ा, पता नहीं मतलब, हां मैं तो नहीं रखता हूं वैसे, पर आप क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गीले तौलिए से, बताइए आप। नहीं ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते दूसरा बंदा करेगा आपका काम, इट्स जस्ट अ मेटाफर फॉर यू बेटर नॉट बी सो लापरवाह एंड इररिस्पॉन्सिबल। नहीं चलो आदमी ने गीला तौलिया रख दिया वो गलती, मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए, पर बीवी की साड़ियां प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक, वो बात ठीक है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।